इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को जरूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। चलो, एथियस बड़ी देर से बैठा है अपने एथियस। मैं कोशिश करता हूँ तो। हाँ जी सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज एक ख्याल आया कि सारे लोग एथियस्ट हो जाएंगे तो क्राइम रेट बढ़ने जाएगा। लाइक मुझे किसी के साथ दुश्मनी है मेरी, और मेरी एज हो चुकी है, और मुझे कुछ रोग हो चुका है, मैं अब मरने वाला हूँ एक दो साल में यार, कुछ महीनों में, तो मैं जाके उनके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जन्नत में जन्नत है, जन्नत में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मुझे पता है, मैं एथियस्ट हूँ, तो ऐसा कुछ बढ़ नहीं जाएगा आगे जाके? आपका क्या ख्याल है? इतने लोग ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन में आएंगे कि वो टर्मिनली इल हैं। सिर्फ टर्मिनली इल ही नहीं है वो, बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट वो उनकी किसी के साथ दुश्मनी है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी दुश्मनी इतनी संगीन है कि ये बंदा अपनी दुश्मनी में उनको पूरे तरीके से मर्डर, पूरी फैमिली को मर्डर करना चाहता है। दुनिया की आबादी 7 अरब है ना, तो 7 अरब में से ऐसे लोग आप मुझे 100 लोग भी ढूंढ देना, मैं को बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा नैरो डाउन है। अच्छा, अगर नैरो डाउन ऐसे कर भी दिया टर्मिनली, हाँ चलो चलो चलो, 1000 हो गए, ठीक है, लेकिन नहीं यार इतने भी कम नहीं होंगे, इतने तो हमारे सिटी में होंगे, होंगे नहीं तो उनकी वाकई इतनी दुश्मनी होगी लोगों के साथ कि वो, उनकी वाकई इतनी दुश्मनी होगी कि उनकी कंडीशन ऐसी होगी कि किसी से इतनी दुश्मनी होगी कि वो चाहेगा कि सारों को मार दे जाकर। आप मुझे ऐसा बताएं, कौन सा ऐसा बंदा ऐसा सोचता होगा कि मैं मरने वाला हूं? अगर फर्ज करें आप मरने वाले हो और आपके अंदर इतना गुस्सा हो कि आप चाहे, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी चल रही हो, आपके मैंने हारिस और इसकी पूरी फैमिली को मार देना है, कौन सी ऐसी हरकत की होगी हारिस ने जो आपको ये मजबूर या सोचने पे मजबूर करेगी कि हारिस को उसकी पूरी फैमिली को मार दूंगा? पैसा, तो पैसे का तो आपने मरना है, आपको पता है पैसे में क्या, आपने मर ही जाना है, साल बाद आपकी पंगा लोगे फिर मरने वाले बंदे को, तो मरने वाले बंदे को तो पैसे का लालच होगा ही नहीं, या फिर कुछ संबंध में ऐसा कुछ हुआ हो, क्या मसलन बताए ना, ब्रेकअप हो गया हो, तो ब्रेकअप हो गया हो तो उस पर पूरी फैमिली को मारने की क्या जरूरत है? ऐसे कुछ सर फिर होते हैं नहीं, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, 7 अरब में आपको कोई नहीं मिलेंगे ऐसी एग्जाम्पल है, उसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। 90% कहते हैं, ये सर्वे था, मैं बड़ा हैरत हूँ, चाइना में लोग एथियस्ट हैं, तो क्या लोग मरने से पहले मार देते हैं लोगों की फैमिलियों को? कुछ भी नहीं होता, चाइना का क्राइम बहुत ऊपर चला गया, उसको छोड़ो, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह को देख लो, क्या उन मुल्कों का क्राइम ऊपर चला गया? आपको पता नॉर्वे में मर्डर का रेट सऊदी अरब से कम है? हम पता है मुझे, सऊदी अरब वो कंट्री है, नॉर्वे या स्वीडन सॉरी, सऊदी अरब वो कंट्री है जहां पे लोगों को अल्लाह का तो डर है ही, लेकिन सर तन से जुदा भी होता है, उसके बावजूद लोग करते हैं ये काम। तो सर जो क्राइम होता है ना, लोग सर्कमस्टेंसेस, एक सेकंड, जो क्राइम होता है ना लोग सर्कमस्टेंसेस की वजह से करते हैं, जब वो पैशन में होते हैं ना, क्राइम्स ऑफ पैशन इनको इसीलिए कहा जाता है, जब वो पैशन में होते हैं तब वो ये नहीं सोच रहे होते कि ऊपर जाके जहन्नुम में सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग ये जरूर सोचते हैं कि यार कहीं पकड़ा ना जाऊं, जेल हो जाए मुझे, लेकिन वो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि भाई उनको, उन्होंने मारी जाना है, जैसे वो ब्रेकिंग बैड जो टीवी सीरीज थी इतनी मशहूर, उसमें यही था ना, उसको कैंसर होता है, टर्मिनली इल होता है, तो वो कहता चलो मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं चर्स बेचता हूँ, जो भी कोकेन वगैरह उसने बेचनी थी, मैथ कुक करके बेची जाऊंगा। तो ऐसी बड़ी कम एग्जाम्पल है, उसके पास भी वो स्किल था मैथ बनाने का, क्योंकि वो केमिस्ट था। तो आपको सर इतने ज्यादा आपने वेरिएबल्स बीच में घुसेड़े हुए हैं,
आपको इतनी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगी, तो ऐसे होता ही नहीं है। और अगर ऐसा होता भी हो, 1% भी हो, तो क्राइम कैसे बढ़ जाएगा? 1% तो पूरी दुनिया की आबादी का छोटा सा हिस्सा, तो क्राइम ओवरऑल कैसे बढ़ जाएगा? ये कोई ऐसी चांस नहीं है। ओके, बस मैं आपसे ये सब पूछना चाहता हूँ। और चले मैं आपको एक बात बताऊंगा, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क की बात करते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली की भी बात करिए। फरवरी में सारा शहर जला दिया था और 53 लोगों की मौत हुई थी, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैं इससे बात नहीं, आप जो स्टार्टिंग में जो कहा था स्वीडन, बेंगलोर और वो सब चल रहा था, तो उसमें हमारा दिल्ली भी चल रहा था। हाँ, तो इसका एथियसम और एथियसम बढ़ जाएगा तो उससे मर्डर कुछ नहीं, उससे कुछ ताल्लुक नहीं, मैं सब बता रहा हूँ। आप हमारे दिल्ली की तो बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, दिल्ली नहीं सर, दिल्ली का वो, दिल्ली के तो तब हुए थे ना राइट्स, साल के शुरू में, जब वो तो आपका वो चक्कर चल रहा था 24 फरवरी सीएनआरसी, वो तो एनआरसी वगैरह का चक्कर चल रहा था ना यार। मैं पुरानी बात उठा के बैठ गया, अबे 6 महीने हुए यार, ठीक है चले चले। आप फिर मुझे कहेंगे यार मुंबई का भी जिक्र करो, क्या हो गया यार। अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। उसमें एक ठीक है, ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।